चलिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हमारी नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, मतलब कि हमें एक पूरी संख्या दी गई होती है। सपोज हमारी वैल्यू है 1, ये हमारी संख्या दी गई है। अब हमें पता लगाना है कि ये संख्या 2 से पूरी पूरी भाग जाएगी या नहीं जाएगी। अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 की बात करता हूं तो वो क्या होता है, यूनिट डिजिट। इसमें क्या होता है, यूनिट डिजिट अगर उसकी इवन है तो ये पूरी संख्या 2 से भाग जाएगी। यूनिट डिजिट अगर इसकी इवन में है तो ये पूरी संख्या 2 से भाग जाएगी। अगर नहीं है, अगर लास्ट संख्या यूनिट डिजिट ओड है तो ये पूरी संख्या 2 से भाग नहीं होगी। लास्ट या फिर यूनिट डिजिट। Should be even. तो यहां पर लास्ट डिजिट क्या होगी, इवन होनी चाहिए। अगर इवन है तो ये 2 से भाग जाएगी, ठीक है। अगर इस वैल्यू की बात करता हूं तो यहां पर लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 9, तो 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। अगर यहीं पर मैं 4 की बात करूं तो हमें यह कैसे पता लगे कि फिर 4 से डिवाइड होती है कि नहीं होती। इस वैल्यू को मैं चेंज करके 8 लिख देता हूं। अगर मैं 8 की बात करूं तो ये 2 से भी डिवाइड होगी क्योंकि यहां पे यूनिट डिजिट क्या थी, 8। 8 क्या है, 2 से भाग जाएगा तो ये पूरी वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 4 में क्या करते हैं, हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। दोबारा सुनो, अगर ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 4 से। अगर इसके बाद मैं 8 की बात करता हूं, डिविजिबिलिटी रोल ऑफ 8, तो उसमें डिविजिबिलिटी रोल ऑफ 8 क्या कहता है, हमारी लास्ट 3 डिजिट, हमारी लास्ट 3 डिजिट अगर वो 8 से डिवाइड होती है, अगर हमारी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लास्ट 3 डिजिट। क्या होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, 8 से डिवाइड होनी चाहिए तो ये हमारी पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इसके बाद मैं बात करता हूं तो हम आते हैं 3। ठीक है, तो 3 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, ये जितनी भी संख्या है इन सबको हम टोटल करें और इनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इन सारी संख्याओं को हम ऐड करें फिर इनका सम जो है हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो
तो यहां पर क्या आएगा, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 8 24, 24 + 8 32, 32. अगर 32 की मैं बात करूं तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर यहां पर 33 होता तो ये 3 से डिविजिबल हो जाता है ना, तो फिर ये पूरी संख्या 3 से भाग हो जाती। अगर यहां पर 8 की जगह पर अगर यहां पर 9 होता तो ये क्या होती, 3 से डिवाइड हो जाती, क्योंकि यहां पर क्या होता है इनका सम 33, 33 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं 9 की बात करूं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, तो उसमें वो हमारा क्या कहता है, इसमें क्या होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इसमें भी सेम चीज है, दोबारा हम सारी डिजिट को ऐड करेंगे, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो हमारा 9 से डिविजिबल है, 9 का डिविजिबल है, तो फिर ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। डिविजिबल बाय 9, ठीक है, ये पूरी संख्या को ऐड करना है, जो रिजल्ट आता है अगर 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या भाग जाएगी। ठीक है, अब 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 3 और 9 भी हो गया, तो अब हम बात करते हैं 5 की। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हमें यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 चाहिए। ये क्या कहता है, यूनिट डिजिट जो है हमारी, हमारी कोई भी संख्या की, सपोज ये जो हमारी वैल्यू है इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो ये पूरा पूरा 5 से भाग हो जाएगा। लेकिन अगर लास्ट यूनिट डिजिट 5 होती तो भी ये भाग होता, 0 और 5 के अलावा अगर एक्स वाई जेड कुछ भी है यूनिट डिजिट तो फिर ये पूरा हमारा भाग नहीं होगा। यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। 5 के बाद अगर हम बात करें 6 की, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है, ये 6 बना कैसे है, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो 2 और 2 इंटू 3 से मिलकर बना है, तो ये 6 से का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड होए और 3 से भी डिवाइड होए, वो नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, अगर वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 से के लिए क्या बोलता है, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, लास्ट डिजिट इवन है तो हमारा 2 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे 3 से डिवाइड करने के लिए, 3 क्या बोलता है कि मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाय 3, तो अगर ये हमारी 3 से भाग जाती है सारी डिजिट का सम तो फिर ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 और 3 जब ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो संख्या हमारी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 11 की बात करता हूं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है, सपोज करो हमारी एक वैल्यू गिवन है, यहां पर नहीं मैं साइड में ले देता हूं, सपोज इसी को ले लो, तो यहां पर क्या कहता है वो, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, है ना,
सम ऑफ ऑड प्लेसेस प्लस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस. सम ऑफ ऑड प्लेस क्या आया? 5, 4, 2, 7. 7 और प्लस 0, 7. 7 माइनस इवन प्लेस में क्या आया? 7 और 3, 10. 10. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है? माइनस थ्री आएगा. तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करते हैं, हम माइनस थ्री को पॉजिटिव में लाने के लिए करते हैं, थ्री को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आएगा 8. इसमें 11 ऐड कर देते हैं तो वो हमारा 8 आ जाता है ना, अगर पॉजिटिव में लाते हैं. तो यहां पर क्या है, अगर हमारा रिजल्टेंट कुछ भी आए, है ना, अगर हमारा रिजल्ट कुछ भी आए वो या तो 0 होना चाहिए. हमारा क्या, इसके बाद जो रिजल्ट आता वो तो या तो हमारा 0 होना चाहिए या फिर हमारा 11 से भाग जाना चाहिए, है ना. या तो 0 होए हमारा रिजल्ट या फिर 11 से पूरा पूरा भाग जाए, वो हमारा क्या होगा, 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा, वो वैल्यू हमारी 11 से पूरी पूरी भाग जाएगी. ठीक है, इसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन और देख ले, चलिएगा तो क्वेश्चन देखिएगा. इफ द नंबर 357P25Q इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पी क्यू इज, उसने बोला है कि ये नंबर 3 और 5 से डिविजिबल हो और तो फिर हमारे पॉसिबल पी और क्यू के पेयर कितने बनेंगे. देखिएगा 357P25Q, यही नंबर दिया है हमें. तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये 3 और 5 से डिविजिबल कब होगा? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का देखेंगे. 5 में क्या होता है, यूनिट डिजिट मतलब क्यू की वैल्यू, यूनिट डिजिट मतलब क्यू की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 5 होगी. अगर हम यहां पर 0 पुट करें, क्यू की वैल्यू हमने 0 मान ली, तो अब यहां पर पी की वैल्यू क्या हो सकती है? तो अब क्या करेंगे, 3 से डिविजिबल कब होगी ये पूरी संख्या, जब इन सब का सम जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा. तो इनको अगर ऐड करें तो 5 और 3, 8, 8 और 7, 15, 15 और 2, 17, 17 और 5, 22. तो ये क्या आ गया, P+22. तो 22 में हम क्या ऐड करें जो ये 3 से डिविजिबल बन जाए, 22 में क्या ऐड करें, मतलब 3 के टेबल में क्या आता है, 22 नहीं आता, तो क्या आता है, क्या ऐड करेंगे, हम सबट्रैक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि प्लस है, तो हम क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 2. सबसे पहले आपका क्या जवाब आया, 2. तो ये क्या हो जाएगा, 24 3 के टेबल में आता है. उसके बाद हम क्या ऐड कर सकते हैं, यहां पर 2 के बाद 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27, तब भी ये 3 से डिविजिबल होगा. उसके अलावा हम क्या ऐड कर सकते हैं, 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30, तो 30 भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा. तो हमारे कितने पॉसिबल पेयर्स निकल कर आए, 3. लेकिन ये तो हमने हमारे तब निकले जब हमारा Q की वैल्यू क्या थी, 0. लेकिन Q की वैल्यू क्या हमारी 5 भी तो हो सकती है, तो देखते हैं 5 पे. तो यहां पर अगर हम Q की वैल्यू को 5 रख दें, अगर हम Q की वैल्यू को 5 रखेंगे तो हम क्या करेंगे, अब 3 से चेक करेंगे 3 से डिविजिबल कब होगा. तो हम फिर से टोटल करेंगे, 5 और 3, 8, 8 और 7, 15, 15 और 2, 17, 17 और 5, 22, 22 और 5, 27. तो यहां पर क्या आया, P+27. तो अब आप सबसे पहले क्या देखोगे, अगर ये 27 डिविजिबल है 3 से,
आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल है। तो हम क्या कर सकते हैं, पी की सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू जीरो। अगर हम जीरो रखते हैं तो भी ये थ्री से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। जीरो रखी, उसके बाद हम क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं पी की वैल्यू थ्री। थ्री के बाद हम क्या रख सकते हैं पी की वैल्यू सिक्स, और सिक्स के बाद हम क्या रख सकते हैं पी की वैल्यू नाइन। तो आप लोगों को एक चीज समझ आई कि जब हमने क्यू को जीरो पुट किया तो हमारे पॉसिबल पेयर्स क्या निकल कर आए, टू फाइव और एट। और इसके अलावा अगर हम फाइव पुट करें तो हमारे पॉसिबल पेयर्स क्या निकल कर आए, जीरो थ्री सिक्स और नाइन। अगर हम पेयर्स की बात करते हैं तो यहां पर क्या बनेगा, पी पी टू और क्यू जीरो। अगर मैं इनके पेयर्स की बात करता हूं तो ये क्या बनेंगे, टू जीरो, एक ये हमारा ये हो जाएगा फाइव जीरो एट जीरो, ये हमारे थ्री पेयर्स बनेंगे। ऐसे ही यहां पर बनेंगे जीरो फाइव थ्री फाइव सिक्स फाइव नाइन फाइव। तो थ्री ये पॉसिबल पेयर्स हुए हमारे, फोर ये पॉसिबल पेयर्स हुए, तो थ्री और फोर मिलकर के कितने बन गए, सेवन। तो हमारे टोटल पॉसिबल पेयर्स क्या निकल कर आए, सेवन। तो ऑप्शन में हमारा सेवन कहां पे गिवन है, ये रहा पहला ही ऑप्शन है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेवन। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।